तो अब देख रहे हो स्टडी हेल्प और मैं सचिन। तो दोस्तों डीट लेवल 2 की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकली दोस्तों। तो अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर है कि जो द्वितीय लेवल की कट ऑफ है बहुत बहुत ज़्यादा अभी की बार बढ़ने वाली है दोस्तों। इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, मैं सारी जानकारी स्टूडियो में देने वाला हूँ। प्रूफ के साथ ये सूचना मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बगल में बेल आइकन इंट्रो को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ रीड लेवल 2 से संबंधित तो सबसे पहले आप देख सकते हो अपने फ़ोन पे। दोस्तों सब्सक्राइब नाउ, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रथम लेवल में देरी से द्वितीय लेवल में बढ़ेगी टक्कर, यानी कि दोस्तों प्रथम लेवल की जो फाइनल सुनवाई है वो दोस्तों होने में थोड़ी देरी लग रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि अब 20 अगस्त को अगली सुनवाई हो रही है, उस पर फैसला आ सकता है, लेकिन दोस्तों इससे द्वितीय लेवल में काफ़ी बढ़ रही है टक्कर, यानी कि दोस्तों इससे द्वितीय लेवल पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कट ऑफ है वो बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। दोस्तों सारी खबर हम इस वीडियो में जाँचने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं पूरी खबर की। दोनों लेवलों के रीट पास अभ्यर्थियों ने की द्वितीय लेवल में आवेदन लगाने की तैयारी, यानी कि दोनों लेवल फर्स्ट और सेकंड के रीट पास अभ्यर्थियों ने की द्वितीय लेवल में आवेदन लगाने की तैयारी, और प्रथम लेवल वालों की निगाहें अब 20 पर, यानी कि जो प्रथम लेवल की सुनवाई है वह दोस्तों 20 अगस्त को होने वाली है। और इधर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रथम लेवल के चयनितों को जिला व स्कूल आवंटन सहित अन्य प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और न्यायालय का निर्णय आते ही चयनितों को नियुक्ति दे दी जाएगी। दोस्तों ये मैंने आपको खबर बता दी थी पहले ही कि यदि 20 तारीख को फैसला आ जाता है, फाइनल सुनवाई हो जाती है, तो दोस्तों फैसले के अगले 5 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगी जो नियुक्ति है, वो नियुक्ति आ जाएगी दोस्तों, नियुक्ति दे दी जाएगी। दोस्तों सामाजिक ज्ञान में सबसे ज़्यादा टक्कर, क्योंकि दोस्तों सामाजिक ज्ञान में इस वजह से टक्कर रहेगी क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि इसका सीधा कारण यह है कि पिछले साल कोई भी रीट की जो भर्ती आई थी उसमें एक भी पद नहीं था, रीट लेवल 2 में एक भी पद सामाजिक ज्ञान का नहीं था, और इससे क्या हुआ कि दोस्तों जिसने बीएड करके रखे थे वो पिछली भर्ती में निराश रहे, लेकिन अब की बार पद तो आए लेकिन बहुत कम आए, और इस वजह से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा रहे, यानी कि बहुत ही कम तुलना में पद आए बहुत दोस्तों, इसी वजह से सामाजिक ज्ञान में सबसे ज़्यादा टक्कर रहने वाली है। दोस्तों ये भी दिक्कत रह सकती है कि विषय शिक्षा में द्वितीय लेवल का परिणाम जारी नहीं करना, कि जो विषय शिक्षा है उसका परिणाम जारी नहीं करना, तो ये बहुत ही बड़ी RPSC की लापरवाही है कि विषय शिक्षा का द्वितीय लेवल का परिणाम है वो नहीं करना है, क्योंकि अब जारी कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पहले परीक्षा हो चुकी है और अब तक जारी नहीं हुआ है, क्योंकि फरवरी माह में ये विषय शिक्षा का जो महीने में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती विषय का परिणाम RPSC ने जारी नहीं किया है, तो यानी कि फरवरी माह में इसकी परीक्षा हुई थी और अभी तक ये जारी नहीं हुआ है। तो लेकिन दोस्तों ये इसके बारे में बताया जा रहा है दीपक उप्रेती की तरफ से कि जो ये विशेष शिक्षा का जो ये परिणाम है वह इस माह में जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों संभावित बताया जा रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि विशेष शिक्षा का जो परिणाम है वो इस माह में हम जारी कर देंगे, पूरी तरह से हमारा प्रयास रहेगा कि इस माह में जारी कर दिया जाए परिणाम। दोस्तों यही खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या इधर यादव की गिरफ्तारी से युवाओं में गुस्सा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष जो उपेन यादव है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इससे जो युवा हैं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि बेरोजगारों का कहना है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव को जल रहे नहीं रिहा नहीं किया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। राहुल गांधी के दौरे से पहले यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हम पूरी खबर पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या है। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में जो बेरोजगारी की मुसीबत बढ़ती जा रही है, अब प्रथम लेवल भर्ती के अटकने से द्वितीय लेवल के अभ्यर्थी खासे परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रथम लेवल का परिणाम अटकने से प्रथम लेवल चयनितों ने द्वितीय लेवल की नौकरी की दौड़ में शामिल होने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में 80,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों लेवलों में रीट पास हैं, इनमें से सैकड़ों का रीट प्रथम लेवल में भी चयन हुआ है, अब ये द्वितीय लेवल में भी नौकरी के लिए दावेदारी जता रहे हैं। प्रथम लेवल की भर्ती का मामला 2 महीने से न्यायालय में होने के कारण बेरोजगार किसी भी सूरत में नौकरी को नहीं खोना चाहते, ऐसे में वह द्वितीय लेवल में आवेदन कर रहे हैं। यदि बाद में प्रथम लेवल में नियुक्ति को हरी झंडी मिलती है तो इसका खामियाजा सिर्फ द्वितीय लेवल के चयनितों बेरोजगारों को भुगतना पड़ेगा। तो और यहाँ पे आप
मैंने सारी खबर बता दी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि आरपीएससी विशेष शिक्षा का बताया जा रहा है कि इस महीने में जारी कर दिया जाएगा, तो इसी वजह से दोस्तों जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रथम लेवल की फैसला न आना, प्रथम लेवल का जो फैसला है वह न आना सबसे बड़ा कारण है इसका। तो प्रथम लेवल का जिस दिन फैसला आया उस दिन सारी मामला शांत हो जाएगा दोस्तों। को कट ऑफ दोस्तों कट ऑफ तो आई रहने वाली ही है सामाजिक की, क्योंकि सामाजिक में पद बहुत ही कम हैं और अभ्यर्थी है आवेदन करने वाले उनके बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से सामाजिक ज्ञान में तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। दूसरों की बात है दोस्तों हिंदी अंग्रेजी वगैरह में तो कम रह सकती है लेकिन सामाजिक ज्ञान में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। दोस्तों उपेन यादव की गिरफ्तारी से युवाओं में भी गुस्सा नज़र आ रहा है और आरपीएससी की लापरवाही की देखने को मिल रही है कहीं कहीं विशेष शिक्षा वगैरह में, तो यानी कि और आरपीएससी की ये भी लापरवाही चल रही है यहाँ पे कि फैसला ना लाना, प्रथम लेवल का फैसला ना लाना। और आपको पता होगा कि इसी तरह सेकंड लेवल का भी परिणाम तो वो जल्द आ गया था लेकिन फैसला था वो बहुत देरी से आया था दोस्तों, बहुत दिन लग गए थे फैसले आने में। और इसी प्रकार प्रथम लेवल में भी हो रहा है दोस्तों, उपेन यादव भी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रथम लेवल का जो फैसला उसमें भी दिक्कत आ रही है। दोस्तों यही मैं आपको खबर देने वाला था कि द्वितीय लेवल की जो कट ऑफ है वो अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि अब की बार डीट लेवल 2 की बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल जाए कि द्वितीय लेवल की कट ऑफ है वो अब की बार बहुत ज़्यादा रहने वाली है।